I present you Nanyo. मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुझ बुढ़िया को स्टार बना दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो आज मैं आप सबको ना अपनी जिंदगी के कुछ वाक्यात बताऊंगी। हमारे वक्तों में जब कोई बड़ा आता था ना, तो जो बच्चे होते थे ना, वो उठ के अपनी जगह से खड़े हो जाते थे एहतराम में, ताकि बड़े को जगा दे। लेकिन आज के दौर में, इसके दौर में तो कदरें ही बदल गई हैं। जिसके पास पैसा है, उसकी इस दुनिया में इज्जत है। फिर क्या हुआ, अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी, वो घर में आटे की चक्की लेके आई। चक्की पे खुद आटा पीसा उन्होंने और घूम के हम बच्चों को ना उसकी छोटी छोटी चिड़िया बना के दे दी, ताकि हम वो हवा में उड़ाते फिरें। भला आटे की चिड़िया कैसे उड़ेगी? कि बचपन आता हम भी भाग भाग के, दौड़ दौड़ के अपने खेलों में लग जाते और उस चिड़िया को उड़ाने की कोशिश करते। ये दिन में हम कोई 200 से 300 बार करते थे। वो कैसे नानू? बताती हूँ बेटा, बताती हूँ। आप सब बच्चों के लिए तो आई हो। फिर हम पींगे लिया करते थे, ये ऊंची ऊंची झूले। कभी आसमान के ऊपर जाते थे, कभी आते थे, कभी जाते थे, कभी आते थे। इस वजह से, इस खेल की वजह से एक सीख मिली हमें। कैसे नानू? कि जब इंसान ऊंचाई पे जाता है, तो उसके अंदर गरूर नीचे आने तक खत्म हो चुका होता है। फिर उसके बाद गुड्डे गुड्डियों की शादियां क्या करते थे। अरे शादियां क्या होती थी, सचमुच की शादियों से भी ज्यादा अच्छी। गुड्डे वाले गुड्डी वालों को खाना देते थे, गुड्डी वाले उनको खाना देते थे, और तो और जहेज का सामान भी दिया जाता था। और जब गुड़िया को रुखसत करते थे ना, तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेते थे। नानू, ये भी कोई खेल था? हाँ बेटा, ये भी खेल था। असल में इसमें ना जज्बात का बड़ा काम था भाई। क्योंकि गुट्टी को रुखसत करते वक्त लोग इसलिए रोते थे कि कहीं अड्डा ना करे गुड्डे वाले उस गुड़िया को, घर से निकाल ना दे। बस इसी एक डर की वजह से ना हम लोग रोते थे। ये खेल ही बहुत बुरा था। आखिर में रुला जो देता था, इस खेल की डिमांड ही रोना होता था। अरे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई, बुढ़ी हो गई हूँ ना, अपनी ही कहानियां सुनाती जाती हूँ। तुम लोग भी तो कोई बात करो, तुम लोग भी तो कुछ बताओ ना अपने किस्से। नानो, हमने कोई बात नहीं करनी, हमने सिर्फ आपको सुनना है। और क्या क्या बताऊं? मिट्टी के खिलौनों से खेलना, मिट्टी के घोड़े को दौड़ाना, उसके ऊपर दौड़ दौड़ के सारा दिन, और आखिर में थक जाना। और अगर बेचारे घोड़े की टांग पे कोई चोट वोट खुदा ना खास्ता लग जाती थी ना, तो अपने दुपट्टे से लीर को फाड़ के ना। नानू, लीर क्या होता है? पट्टी यार। पट्टी बेटा, लीर बांध कर उसे आराम से उठा के परछत्ती पे रख देना। अब बेचारा तो ये दौड़ ही नहीं सकता,
नानू लास्ट पर छत्ती मतलब बेबी इट्स शेल्स तुम्हें बड़ा पता है, मुझे सब पता है, नानी मेरी है। अरे क्या क्या यादें बताएं तुम लोगों को बच्चों, धूप में मंजियों पे बैठ के गन्ने चूसने, उसकी मिट्टी बनाना, पता है गन्ने चूसने से हमारी अम्मा ने कहा करना कि बेटा इससे दांत मजबूत होते हैं, और तो और जब उसका भूसा रह जाता था ना चूसने के बाद, तो उसके साथ अपने दांत रगड़ने ताकि उनमें चमक आए। यकीन करो वाकई दांतों में चमक आनी शुरू हो जाती थी। गाजरे खाना, मूलियां खाना, और इसी बहाने बैठे बैठे धूप भी सेक लेनी, वही जिसे तुम सब बच्चे वो क्या कहते हो, सन सन बात। अब सब बच्चे कपड़े उतार उतार के सन बात लेते हैं, बदला कुछ नहीं है, अब बस मर्दों ने ना कपड़े उतारने शुरू कर, अपनी कदरें कम कर दी है मेरे बच्चों। पुत्र जी, तुम लोग आजकल के जो नौजवान हो ना, उन्हें अपनी जबान में समझाओ कि वो सब जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना, वो नंगे हो रहे हैं, वो अपनी कदरें भूल रहे हैं। और नाना तो बिल्कुल सीधी बात करती हैं। अच्छा तो कौन लोग नंगे हो रहे थे? सीधी बात है ना, क्या मतलब था इस बात का जवाब? तो क्या जवाब दो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ही तो मुझे जवाब दे दो। हैरत की बात है, तुमने नानों की बातों को एंजॉय नहीं किया और उनसे कुछ सीखा नहीं। मैंने सीखा जो सीखा था। चलो तुमने तो एंजॉय किया ना और बहुत एक्स्ट्रा कुछ सीखा, तो सिंपल सी बात है, मेरी बात का जवाब दे दो, कौन लोग नंगे हो रहे थे? यूजर है ना तुम्हारे पास जवाब, वो भी नहीं सकता सीधी बात। ये देखो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वेट अ मिनट, तुम इन्हें जज कर रहे हो? रौनक वो सिर्फ वीडियो बना रही है माइंड पे टिकटॉक एंड दैट्स इट। माय गॉड, क्यों इतनी मुश्किल कर दी है तुमने अपनी जिंदगी यार, मैं परेशान हो जाती हूँ रौनक, क्या हो गया? सो मुश्किल क्या है और तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्योंकि तुम उनकी खुशियाँ छीन रहे हो। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही था ना, मिलियन मिलियन फॉलोअर्स होते हैं इनके। 200 मिलियन की नेशन में से 2 मिलियन वही है जो सबको फॉलो कर रहे हैं, और बिल फैसकर के ये मिलियन फॉलोअर्स हैं भी, तो इन पे एक भारी जिम्मेदारी आन पड़ती है। कैसी जिम्मेदारी? अगर आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को उनको अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, अच्छी चीजें गाइड करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि लोग वीडियोस ना बनाएं, मगर इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए जिससे लोग एजुकेट हो सके, कुछ सीख सके इनसे। जिस तरह के खुराफात कर रहे होते हैं उसे सीखने को कुछ नहीं मिलता, जिस तरह तुम नहीं सीख रहे इनसे। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो ना, कौन को संभाल लेना? तुम्हें तो संभाल लूं, फिर कौन को भी संभाल लूंगा? इतना कौन सोचता है, मुड्डे हो जाओगे जल्दी। हाँ तुम्हारे टेंशन को ले लेके तो होने ही मुझे। परी तुम यहां खड़ी हो, मैं पूरी एकेडमी में तुझे ढूंढ रही थी,
तू आकर देख तो सही, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। चल मेरे वहां जाने से क्या हो रहा है, और वैसे भी वहां तक पहुंचने के रास्ते में सिर्फ कांटे हैं। यार तुम पागल हो गई हो, अपने भी रास्ते में कांटे बिछाते हैं क्या? अजीब बच्चों वाली बातें कर रही हूँ। ये तो मसला है, कोई गैर जब ऐसे करे तो आप कहते हो खैर होगी जाने, या तो अपने ही रास्तों में कांटे बिछाए बैठे हैं। हाँ, ये फूल देख, कांटों से भरे हुए हैं फिर भी खुशबू देते हैं। मैं फूल नहीं हूं ना राफेल, इंसान है। पर ये मेरी बात तो सुन यार, इजाजत दे मां जी। बेटा फिर जा रहे हो? जी मां जी। तूफान की तरह आता है और माँ की ममता का सफाया फिर जाता है। ऐसा ना बोला करें मां जी, आपकी ममता के साये तले फिरता है मुश्ताक। कभी बीवी बच्चों को भी साथ ले आया कर बेटा। स्कूल चल रही है माँ जी, छुट्टियाँ होते ही वो हवेली में तोड़फोड़ के लिए आ जाएंगे। बड़ी नजर है मेरे बच्चों की तोड़फोड़ पे, और उनके देर से हवेली आने पे मेरे दिल पे जो तोड़फोड़ होती है वो तुझे नजर नहीं आती। पिछली गलतियाँ माफ करे माँ जी, अगली बार से वो हमेशा मेरे साथ आए, आप तसल्ली रखें। जीता रहे। बड़े मलिक साहब से मिले हो बेटा? मिल तो लिया है माँ जी, मगर अब्बा जी बहुत गुस्से में थे, ख्याल रखना आप। मलिक साहब का गुस्सा 4-5 मिनट का है, उतर जाएगा, तू खैर से जा। खुदा हाफिज़ माँ जी। कौन से माफ़। प्लीज़ जिस तरह आपको गाइड किया था उस तरह फोकस करें, चाल थोड़ी चेंज करने की कोशिश करें। क्या लगता है सुजावल साहब, लड़की परफॉर्म कर जाएगी कि नहीं? जिस तरह वो मेहनत कर रही है और रौनक उससे मेहनत करवा रहा है, लगता है कर लेगी। वो मेहनत करने वाले और करवाने वाले पर तो शक नहीं है, पर खुल के बात करो रशीद। अच्छा मेरी बात सुने, अगर ये गाड़ा भरा हुआ होगा तो क्या आप इसी तरह वॉक करेंगे? नहीं ना, थोड़ा ऊपर करें से, थोड़ा सा और। हाँ अब भरा हुआ फील करके वॉक करें। प्रैक्टिस देखकर तो साफ साफ यही लग रहा है कि बाबर आजम की जगह शाहीन शाह अफरीदी से ओपनिंग करवाने की तैयारी है। नहीं भला आप खुद बताओ, अब बैट्समैन की जगह बॉलर से ओपनिंग कराएंगे तो मजाक नहीं बन जाएगा खेल का? जावल साहब अपनी बात तो बताते जाओ। बस अब मुझसे और नहीं हो रहा, मुझे पानी मिलेगा प्लीज? इसे पानी पिलाओ। पानी पिलाओ पानी। वलीद मेरे बैग के पास बॉटल पड़ी है। थैंक यू। अब पानी से इसका कोई काम नहीं होना, इसको जूस वूस पिलाओ, होना ना इससे फिर भी नहीं है। स्टार्ट करें प्लीज। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं दोबारा तुम्हें समझा देता हूँ। आप सोचे ही रांझा का इंतजार कर रही है, वो रांझा उसे कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आप इमेजिन करें उसकी आंखों में क्या बेचैनी होगी, और वही बेचैनी आपकी बॉडी और आंखों दोनों में नजर आनी चाहिए। ठीक है चलें वॉक स्टार्ट करें। अच्छा लिसन लिसन प्लीज, आपने कभी किसी का इंतजार नहीं किया? मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे परफॉर्म करता हूँ, मैं जैसा करता जाऊँ आप बिल्कुल वैसा ही कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना। रांझे जब मैं छोटी होती थी ना तो रोज रात को ये सोचती थी कि इस काली चादर में कितने तारे होते हैं,
और फिर तकते तकते सवेर हो जाया करती थी। उस सवेर को वही चादर खाली रोशन, एक ही चादर के दो रूप, भला कैसे हो सकते। फिर हीर की जिंदगी में आया रांझा, वंजली में जाके भेड़ बकरियां चढ़ा के और मोहब्बत हो गई तुझे भी मुझे। पर रांझी वो चाचा कह दो है ना, वो कहते कि हीर और रांझा एक नहीं हो सकते। रांझा ये सारी दुनिया भी कहती है कि तू और मैं एक नहीं हो सकते। तू बता हीर रांझे के अलावा किसी और की हो सकती है, बता ना। ये सब बकवास करते हैं, हीर तो बनी तेरे नाम पे। ये चद्दर एक हो सकती है तो हम एक नहीं हो सकते। हैरान जाए, ये चद्दर मेरे अलावा किसी और को दिसती नहीं है, हीर तो तेरी है। बस इतनी है हीर की कहानी, हीर से हाल रांझे की दीवान, रांझे की दीवान। बिजी थी? नहीं तो क्यों पूछ रही हो? नहीं वो फोन कर रही थी ना, मैं कब से उठा नहीं रही थी। तुम कैसे उठाती यार? हाथों से उठाती रहा, फोन हाथ से ही उठाया जाता है। उठाना तो हाथों से ही था यार, पर तकलीफ में है दोनों। क्या हुआ? चोट वोट तो नहीं लगी हाथ पे, कुछ हुआ? ऐसी बात नहीं है यार, खुशी के मारे तकलीफ में है दोनों। क्या बात है कह रही हो राबिया, ये कौन सी खुशी है जिसे तकलीफ होती है? होता तो कोई नहीं है पर ये दोनों हैं। मैंने तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ कॉल क्यों काट दिया भाई? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, उल्टी सीधी बातें कर रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दोगी तो दिमाग कैसे ठीक काम करेगा? खुशी के मारे इतनी जोर जोर से तालियां बजाई हैं कि मेरे तो हाथों में अभी तक दर्द हो रहा है। कैसे कर लेती हूँ यार? मैंने क्या किया? सदियों पुरानी दास्तान है हीर रांझे की, और तुमने ऐसी परफॉर्मेंस की कि मैं तो दूर खड़ी तुम्हारे साथ रांझे को देख रही थी यार। मैं रांझे को नहीं देख रही थी, और इश्क की दास्तान कभी पुरानी नहीं होती राबिया। तो इश्क करके देखते हैं यार। नहीं वो कहते हैं ना, तोतियां मन मोतियां तू इसकली ना जा, इसकली दे चट पूरे लेंदे भाया पा। तो हाँ इश्क अपने रिस्क पे करना, नहीं तो ना करना। चलो रखती हूँ फोन, बाय।
रौनक बेटा चल खाना लगा दिया। दादू मेरा मूड नहीं है अभी, प्लीज आप खा लें, मैं बाद में खा लूँगा। तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। चल फिर आ जाओ, मूड बना ले, आ जा। अच्छा आप चले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी दादू, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट। तुम भी फिट फाट, वो भी फिट फाट। बड़े पापा की याद तो नहीं आई ना? क्या हो गया दादू, आती है, क्यों पूछ रहे हैं आप? तूने फोन जो नहीं किया मुझे। दादू आई एम सो सॉरी, मैं करने वाली थी फोन आपको, बल्कि अभी करने वाली थी। से बताओ खाना खाया तुमने? नहीं अभी नहीं खाया, भूख नहीं है। क्यों? तुम्हारा भी मूड नहीं है, उसका भी मूड नहीं है। दादू खा लिया होगा उसने खाना, परेशान। तुम तो नहीं खा कर आई ना? जाओ शाबाश खाना खाओ। मैं बस खा लेती हूँ अभी। अल्लाह हाफिज। अब तक ख्याल रखे आप। चल आप चेंज कर ले, मैं तब तक खाना गर्म कर लेती हूँ। वो परी कहाँ है, खाना खा लिया उसने? नहीं उसका तो मूड नहीं है अभी। मूड नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन जब से आई है ना कुछ परेशान सी है। परेशान है? वे कहाँ है हमारी परी रानी? अपने कमरे में, बुलाऊं से? हाँ सुनो, उसे कहो कि तैयार हो जाए, डिनर हम बाहर करेंगे। ठीक मैं कह देती। ठीक है, मैं भी कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। फिर हीर की जिंदगी में आया रांझा, मंजिली में जाके। भेड़ बकरियां चढ़ा के और मोहब्बत हो गई, तुझे भी मुझे। रांझे वो चाचा कैदो है ना, वो कहते कि हीर और रांझा एक नहीं हो सकते। रांझे ये सारी दुनिया भी कहती है कि तू और मैं एक नहीं हो सकते, ये चद्दर एक हो सकती है तो हम एक नहीं हो सकते। है रांझे ये चद्दर मेरे अलावा किसी और को दिसती नहीं है। कोई परेशानी है आजकल? नहीं मसला कुछ नहीं है, बस फॉरेंसिक्स चल रही है ना, तो उसी को लेकर काफी सोच रहा हूँ। तो रिहर्सल में क्या परेशानी, इसमें क्या मसला है? बस वो शुरू शुरू के दिन है ना, स्टार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन तेरी टीम तो प्रोफेशनल है, होना तो नहीं चाहिए। कौन मसला कौन कर रहा है? मसला कोई नहीं कर रहा, बस एक नई आर्टिस्ट को कास्ट किया है ना, तो उसकी तरफ से थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है, मगर वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी है, चला चलते हैं खाना खाते। आज शाबाश, चला आ जा।
अच्छा जी जनाब, तो खाने का ऑर्डर दें। हाँ जी। गुड। हाँ वेटर हैं बाबा, फिर थैंक यू जी। अच्छा हाँ, क्या कहेंगी? जो तुम्हारा दिल करता है ऑर्डर कर लो, अपने पापा से पूछ लो। बेटा खाना आपकी पसंद का खाएं। बारबेक्यू। कोई हाल नहीं है आजकल की जनरेशन का। माएं बेचारी काम कर करके बेहाल हो जाती हैं और बच्चे हैं तो घर का खाना ही पसंद नहीं करता। शाइस्ता बेगम, बच्चे घर में खाना इसलिए नहीं खाते कि माएं बेहाल ना हो जाएं। अमजद साहब, माएं बच्चों के खाना ना खाने की वजह से बेहाल होती है, खाना पकाने की वजह से नहीं। हाय माँ सदके। एंजॉय करने दो से। हाँ हाँ तो करें एंजॉय, वो एंजॉयमेंट से किसने रोका है? देखो तो सही जरा कि इस बंदे ने कितना खाना भरा हुआ है, और मतलब इतना खाना कोई एक बंदा खत्म कर लेगा? बहुत जुल्म, माँ बाप के साथ भी और लोगों के साथ भी। क्या हो गया, आप पीछे पड़ गई है उसके? अब हर किसी के पास आप जैसी अम्मा थोड़ी होती हैं। मेरा ख्याल है हमें अपने खाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा करो आप बिल ले आओ। आपका बिल अदा कर दिया गया सर। बिल अदा कर दिया गया? नहीं, कैसे हो सकता है कि हमारा बिल कोई और अदा कर दे? बिल अदा हो गया है, कर दिया गया। किसने पैसे दिए? उस टेबल पे जो शख्स बैठा था सर, उसने अदा कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? सर वो कह रहे थे कि आप उनकी फैमिली हैं। नहीं एक सेकेंड, आप कैसे किसी से पैसे ले सकते हैं बिना पूछे हमसे? यार ये इस तरह नहीं चलेगा, आप मैनेजर को बुलाओ। बाबा बाबा इट्स अमजद साहब बस करें ना, बस तमाशा बनाने का क्या फायदा, चले घर चलते हैं। उठे इधर आओ, ये खाना पैक करते। तीरानी क्या सोच रही है? कुछ नहीं नोनू, ऐसे ही कुछ नहीं। जरूर कोई बात? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस इधर बैठ बैठ। सब पता है मुझे, परी के बारे में सोच रही है ना? कुछ नहीं नोनू, अब तो अपनी नानू से बातें छुपा रही है। आप तो सहेली है मेरी नानू, आपसे क्या छुपाऊंगी मैं? सहेली के साथ अपनी उदासी नहीं शेयर करोगी? मैं अपनी दूसरी सहेली की उदासी देखकर उदास हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, तो परी के बारे में परेशान है ना? वो फिर उदास है? इश्क ने उसे उदास कर दिया नानू। अरे इश्क तो हंसना सिखाता है तीरानी। इश्क रुलाता भी है नानू। इश्क झुकना सिखाता है तीरानी। इश्क खड़े होना भी सिखाता है। इश्क जीना सिखाता है तीरानी। इश्क मरना भी सिखाता है नानी। इश्क एकता ही सिखाता है तीरानी। इश्क करना कोई रब से सीखे, उसे अपने आशिक का रंग रूप नहीं पसंद बेटा, उसे उसकी यही अदा पसंद है कि वो बस अपने आशिक को ही चाहता रहे। आप तो हकीकी इश्क की बात कर रही है नानो, और मैं मजाजी इश्क की बात कर रही हूँ। इश्क तो होता ही हकीकी है पुत्र,
इश्क के लिए मजाजी का लफ्ज ठीक नहीं। और मजाजी लफ्ज क्यों नहीं ठीक होता इश्क के लिए? मजाजी का मतलब होता है मसनूई, जाली, नकली। अब बता, अब तू ना इश्क को मजाजी कह के कि तू इन्ना कर मसनूई जाली सब चीजों की अल्लाह के हुजूर इजाजत नहीं है पुत्र। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hello. Salaam Founder. Yeah, I'm in the land of Salaam. Salaam Walika Yadu Salaam. I hit up Nabi Salaam. What then I can let the Dar Salaam. रौनक, क्या हुआ बेटा? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। दिल पे कोई बोझ है जो नींद नहीं आ रही? नहीं, कोई ऐसी टेंशन तो नहीं है। हाँ, कुछ टेंशन तो है। आओ बैठो। हाँ, नहीं बताओ मुझे, मिलकर बांट लेते। जो नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम ही रांझा, उसमें हीर के कैरेक्टर के लिए परी की जगह मैंने नई लड़की को सिलेक्ट किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? बाबा, मैंने आज तक परी के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उन सब की हैप्पी एंडिंग रही है, और हीर रांझा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वो मर तो जाते मगर इन्हें मोहब्बत नहीं मिल पाती। मैं अपने और परी के मामले में ऐसा तसव्वुर तक नहीं कर सकता, सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये बात तुमने परी को नहीं बताई हो? बेटा, ये जो मोहब्बत की पतंग होती है ना, ये भरोसे की डोर से आसमान पे उड़ रही होती है। अगर तुम डोर का भरोसा छीन लोगे तो फिर कटी हुई पतंग को लुटेरों से कैसे बचाओगे? तुम्हें चाहिए कि परी को सब कुछ बता दो, कहीं और से पता लगेगा तो शक पैदा हो। सही कहा बाबा, मुझे परी को एतमाद में लेना चाहिए था। और अभी देर नहीं हुई है, फौरन फोन करो, उसे बताओ। और मुझे यकीन है कि सच सुनने के बाद पतंग और डोर फिर बन जाएंगे। मुझे पता है वो मान जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि अभी कॉल ना करूं, सो फेस टू फेस उससे मिलूं ताकि इजीली उसको समझा सकूं। ये भी ठीक है, तुम कल उससे बात करो, मैं तुम्हारी अम्मी से रابطہ कर दूं। अम्मी से क्यों? परी का रिश्ता मांगने जाना है। क्या अम्मी आपके साथ जाएंगे? हाँ, तो मैं अकेला हाथ मांगने कैसे जाऊंगा? बाबा, अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज आप अम्मी के बगैर चले जाएं। क्यों ना लेकर जाए, वो माँ है तुम्हारी, उसका हक है। माँ से उसका हक छीनना चाह रहे हो? बाबा बाबा, मैं ये नहीं कहना चाहता। क्यों कहा तुमने कि उसको ना लेकर जाओ? जिस चीज को सवाल करना है उसे सवाल करने दो, और जिससे सवाल करना है वो खुद जवाब दे देगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मेरा गर्ज सिर्फ इतना है कि दुनिया उसे सवाल करेगी उनके पास जवाब नहीं होगा, और इस बात पर मैं अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं देख सकता, और ना मैं चाहता हूँ मेरी माँ शर्मिंदा हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी मां ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया कि उससे शर्मिंदगी हो, और मजहब इस चीज की इजाजत देता है, उसे हक हासिल है।
और हक उसे उसकी फैमिली ने दिया है, तो माशरे को उसका हक कबूल करना पड़ेगा। तुम अपने काम से काम रखो और मैं अपना काम करूं। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।